ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉप एसोसिएशन का आगरा मंडल एवं मथुरा शाखा का दूसरा वार्षिक महाधिवेशन व सुरक्षा गोष्ठी रविवार के दिन संपन्न हुई, जिसमें लगभग 50 से अधिक असिस्टेंट लोको पायलट एवं लोको पायलट से बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाधिवेशन में आलारासा की 25 सूत्री मांगें शामिल की गई। एसोसिएशन के आगरा मंडल सचिव CP सिंह ने बताया कि महाधिवेशन में सर्वप्रथम रेल को दुर्घटना मुक्त करने पर जोर दिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा स्टाफ को मामूली बातों पर तनावग्रस्त करने का पूर्ण विरोध किया गया एवं अधिकतम 9 घंटे की ड्यूटी और हाई पावर कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई है। उन्होंने यह भी कहा कि NPS रद्द करना व पुरानी पेंशन वाली व्यवस्था बहाल करने का भी जोर दिया गया है। लोको इंजन में AC टॉयलेट व टूल बॉक्स की मांग भी मुख्य रूप से रखी गई है। वहीं महिला रनिंग स्टाफ के लिए कैब, रनिंग रूम तथा यार्ड में उचित व्यवस्था के लिए आदि की मांग शामिल है। हमारी एसोसिएशन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो कि भारतीय रेल को चलाने वाले लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स का संगठन है, हमारे संगठन का आज मंडल अधिवेशन, आगरा मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन है और मथुरा शाखा का भी इसी के साथ अधिवेशन हो रहा है। इसके साथ साथ चूँकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, सेफ्टी कैटेगरी है, रेल को दुर्घटना मुक्त करना चाहते हैं, रेल से दुर्घटनाएं होती हैं, यात्रियों को भी समस्याएं होती हैं, इसके साथ साथ सबसे पहले प्रभावित हम लोग होते हैं, तो हम लोग सेफ्टी के ऊपर भी चर्चा आज कर रहे हैं कि रेल को दुर्घटना मुक्त कैसे बनाएं, स्पीड मुक्त। कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल, लाल सिग्नल को पार कर जाती है गाड़ी, तो क्या कारण है कि गाड़ी लाल सिग्नल पर रुक नहीं पाती, उसको पार कर जाती है? क्या कारण है कि लोको पायलट के ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर, नियम विरुद्ध काम करवाना, ब्रेक का फेल होना, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो उसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे RDSO ने, रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निश्चित की है, उस RDSO की निश्चित की हुई इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस में गाड़ी रुक नहीं रही है, क्या कारण है? कैसे इन घटनाओं को हम कम कर सकते हैं? कैसे हम रेल को दुर्घटना मुक्त बनाएं? हालांकि प्रशासन भी सेफ्टी सेमिनार करता है, लेकिन प्रशासन के सेफ्टी सेमिनार करने के बावजूद भी घटनाएं रुकी नहीं बल्कि और बढ़ गई हैं। इसीलिए हमारे संगठन ने सेफ्टी सेमिनार के माध्यम से अपने कैडर को संगठित करके, एजुकेट करके, लोगों को समझाकर, लोगों को संगठित करके और उन समस्याओं का निराकरण करके जिनके कारण ये घटनाएं घटती हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, रेल को एक्सीडेंट मुक्त, दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके और हमारी रेल में, हमारे गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री भय मुक्त, चिंता मुक्त होकर के, सो करके डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचें। इस चुनौती को, इस बीड़ा को लेकर के हम लोग आज ये सेमिनार, हमारा ये संगठन सेमिनार को आयोजित कर रहा है और यही हमारा उद्देश्य है। देखा जाता है कि लोको पायलट जैसे कि ट्रेन चलाते हैं जी, तो उनके लोको इंजन में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है, AC नहीं है, मतलब काफ़ी चीज़ों का सामना। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। भी ट्रेन चलाती हैं जी, हमारे बीच में पर्याप्त संख्या में महिलाएँ मौजूद हैं। हालांकि हम प्रशंसा करने चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 घंटे, कभी कभी उससे अधिक समय तक, 10 से 12 घंटे तक काम करने के बावजूद लोको पायलट टॉयलेट के बिना कैसे रह सकता है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया है, इसको कोई भी ह्यूमन बीइंग रोक नहीं सकता है। इससे तनाव भी उत्पन्न होता है, इससे किडनी प्रभावित होती है और उस तनाव के कारण भी दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए हम लोगों ने 2014 में केंद्रीय सरकार के जो रेल मंत्री महोदय सुरेश प्रभु साहब थे, उनके सामने हम लोगों ने ये मांग रखी थी, निरंतर ये मांग करते आ रहे हैं कि लोगों में टॉयलेट दिए जाएँ।
हालांकि कुछ लोगों में टॉयलेट दिए गए, लेकिन अधिकांश लोगों आज भी टॉयलेट विहीन है। उसके कारण महिला और पुरुष सभी कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान हमारी जो है माताएं बहनें जो महिला सहकर्मी के रूप में कार्य कर रही हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं माननीय गीता यादव जी। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि टॉयलेट न होने के कारण जो लोगों में परेशानी महसूस होती है अपने शब्दों में बयां करें। कंधे से कंधा मिलाकर रेल में बखूबी तौर पर अपनी भूमिकाएँ निभा रही हैं, लेकिन रेलवे में हमारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जहाँ देखा जाता है कि इंजन में टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं होती, नेचर कॉल की सुविधा का हमें अभाव होता है। जब भी हम मालगाड़ी वर्किंग करते हैं या मेल पैसेंजर जो भी करें, तो मालगाड़ी में जब वर्किंग अधिकतर मालगाड़ी में प्रॉब्लम आती है, मेल पैसेंजर आपका जो, तो मालगाड़ी में वर्किंग करते टाइम 8 से 10 घंटे हो जाते हैं। एक रन हम जाते हैं, अपने स्टॉपेज पर रुकते हैं, अगले स्टॉपेज कहाँ रुकेंगे किसी को नहीं पता है। उस टाइम आप बिना वॉशरूम जाए, बिना नेचर कॉल के आपको जिस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से सेफ्टी पर सीधा इशू पड़ता है कि आप उससे मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बिना वॉशरूम जाए, बिना नेचर कॉल का यूज़ किए। तो इसके लिए लोगों में टॉयलेट का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। दूसरी चीज़, रनिंग रूम में हमारे लिए फैसिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आजकल के रनिंग रूम्स में होता है कि महिलाओं के नाम पर एक कमरा अवेलेबल आपको करवा दिया जाता है कि आपके लिए रनिंग रूम में रूम अवेलेबल करवा दिया जाता है, आप रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें भी उसी वातावरण की ज़रूरत है जो हम घर में फील करते हैं, तभी हम वहाँ पर एक तरह से सेफ्टी वाला इशू ख़त्म कर पाएंगे। बातों में मानसिक तनाव देकर परेशान किया जाना गलत है। उसके लिए हमें पूरी तरह सुविधाओं से सुविधाएँ हमारे लिए होनी चाहिए, रेलवे को इस पर गौर करना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जो कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के तत्वावधान में जूनियर हाई स्कूल निकट रेलवे यार्ड मथुरा में आयोजित किया गया, जिसमें कि उनकी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों को एक अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें कि उनकी प्रमुख मांगों में से कुछ मांगें इस तरह से हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग उन्होंने की है। लोको का आप ये इंजन देख रहे हैं, लोको के ऊपर पूरी रेल जो है वो निर्भर करती है, और अगर आर्थिक व्यवस्था की अगर बात कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रेल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोको लगभग 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए लोको इंजन में ना ही एसी की सुविधा है और ना ही टॉयलेट की सुविधा है। अगर एसी की बात हो तो कहीं तक चल जाएगा, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में इतनी आवश्यकता एसी की नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर टॉयलेट की बात हो तो टॉयलेट के बिना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि लोगों का जो एक तनाव है, लोगों को एक माइंड जो है अपना तनाव मुक्त रहना चाहिए। अगर इंसान सोच के लिए नहीं जाएगा तो आप बताइए कि तनाव मुक्त इंसान कैसे रह सकता है। लोको इंजन में अभी तक ना ही कोई टॉयलेट की सुविधा है, ना ही कोई एसी की सुविधा है। लोको की जो कल मीटिंग हुई है अलारसा की, तो अलारसा के महाधिवेशन में उनके लोगों ने सीधी 25 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग जो रही है वो रेलवे की सुरक्षा दृष्टि को लेकर रही है। रेलवे की सुरक्षा दृष्टि तभी संभव हो पाएगी जब लोको पायलट तनाव मुक्त रहेगा। कल हमारी एक महिला लोको से बात हुई तो उनका कहना था कि जो वो ट्रेन चलाती हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, एएलपी हैं, उनका कहना है कि जब वो शौच के लिए जाना चाहती हैं तो उनकी ट्रेन पे ड्यूटी लगी हुई होती है, तो शौच के लिए वो नहीं जा पाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जब शौच के लिए नहीं जाएगा तो तनाव हो जाएगा, तनाव होने के चलते कहीं कोई घटना ना घट जाए, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 सूत्रीय मांगों का जो ज्ञापन पत्र है अलारसा ने उच्च अधिकारियों को रेलवे के दे तो दिया है, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब जाकर रेलवे के उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेंगे। मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।